नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आप सभी देख रहे हैं छोटी बड़ी पल पल की जानकारी टूटी फूटी आवाज़ में रहुसा सीतापुर प्रेम बाजपे के साथ। आपकी खबर आप तक, खबर जहां नज़र वहां। खबरों को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को अगर नहीं किया है अभी तक सब्सक्राइब, वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएँ ताकि खबर का मैसेज आप तक पहुँचे और आप खबरों से रूबरू हो सकें। आपको बता दें कि ये इस वक्त जनपद सीतापुर के थाना थान गाँव से एक बड़ी खबर आ रही है। फांसी के फंदे पर एक विवाहिता का शव झूलते पाया गया। वहीं पर परिजनों के मुताबिक आनन फानन में उतार कर संदिग्ध अवस्था में रेउसा शेषी लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया और वहीं रेउसा शेषी से परिजन शव को घर लिए चले गए। मामला बता दें थाना थान गांव की ग्राम पंचायत भदेवा गाँव का है। 18 सितम्बर 2021 दिन शनिवार का। बताते चलें कि थाना थान गांव की ग्राम पंचायत भदेवा निवासी मुजाहिद की पत्नी शाकिरा उर्फ कल्लो उम्र लगभग 40 वर्ष, ये अपने खेत की रखवाली कर रही थी और वहीं पर 18 सितंबर 2021 दिन शनिवार को संदिग्ध अवस्था में एक पेड़ से रस्सी से लटका हुआ इनका शव पाया गया। और घटना की जानकारी उस वक्त हुई जब इनकी लड़की पुत्री शाकिरा की भोजन लेकर गई और वहाँ देखा इनका शव लटकते हुए, तो एक जमीन तलों से खसक गई, एक दंग रह गई और आकर गांव में लोगों से बताया, जहां पर मौके पर गांव के लोगों के द्वारा शव को लाकर और वहीं आनन फानन रेउसा शेषी लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। और वहीं पर सूचना पाकर मौके पर पहुंची रेउसा थाना थान गांव की पुलिस भी अपनी पंचायतनामा भरकर लिखा पढ़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। समाचार होने तक अभी तक शव का पीएम नहीं कराया गया था, परिजन शव कराने से इनकार कर रहे हैं। मौके पर ये तस्वीरें जो आपको दिख रही हैं, ये थाना थान गांव की ग्राम पंचायत भदेवा गांव की है, जहां पर एक मातम सा छाया हुआ है, एक कोहराम सा मचा हुआ है, शोक की लहर दौड़ी हुई है पूरे गांव में। इस महिला के संदिग्ध अवस्था में फांसी के फंदे से लटकता पाया गया शव। कहते हैं डॉक्टर सुनील कुमार से रेउसा शेषी में उपस्थित हैं। डॉक्टर साहब, अभी थाना थान गांव इलाके में एक संदिग्ध परिस्थितियों में शव एक फंदे से लटकता पाया गया, जिसको परिजनों के द्वारा रेउसा शेषी लाया गया था, महिला थी, उसके हालात कैसे रहे, किस अवस्था में लाया गया और क्या नाम था, क्या उम्र होगी उसकी? उनका नाम जो है मृतक अवस्था में लाई गई थी। उनका नाम सकीरा वाइफ ऑफ मुदादीन था जी, और वो हैंगिंग ब्रॉड डेड थी, मतलब मेरे यहाँ पे आए थे तो एकदम मृत्यु ही अवस्था में आए थे। अच्छा, कोई बिल्कुल ठीक से डायलेटेड थे जी जी, और उनमें कोई जान बची नहीं। अच्छा, कोई चोट के या कोई और निशान? हाँ, वहाँ पे पूरा एकदम जो है लाइगेटर मार्क पूरा प्रेजेंट था, ब्लैकिंग होती है जो हैंगिंग की वो पूरी वो वहाँ पे जी। कहाँ निवासी था ये? थान गांव, थान गांव और रहने वाले जो है भदेवा मुजाहिद। ये आपकी कौन है? मेरी पत्नी है। पत्नी है, क्या उम्र होगी इनकी? ये है 40 साल। अच्छा, और नाम क्या था? शाकिरा। शाकिरा, इनकी मौत कैसे हुई? अरे मौत तो हम चले गए, हम लगे थे वहाँ काम पर का होते थे, मौत लड़के सब जान सकते हैं कैसे फेंक आए। अच्छा, तो तुम सामने नहीं थे? हम सामने नहीं। तो पोस्टमार्टम कराओगे कि नहीं, पीएम कराओगे कि नहीं? पोस्टमार्टम कहाँ करोगे? न करोगे। अच्छा, मायका आपके ससुराल कहाँ रहे? बिजहड़ा। तो उनका कोई आरोप तो है नहीं? तो आप मिट्टी कर देंगे, सीतापुर नहीं भेजेंगे? अच्छा अच्छा, मतलब फांसी के फंदे से लटकी थी। अच्छा, मुन्ना लाल पिताजी का? मुन्ना लाल ना, मुन्ना खां। मुन्ना खां आपका नाम है, पिताजी का क्या नाम है? फिदा हुसैन। घर कहाँ है? बिजहड़ा। थाना कौन लगता है? अच्छा, ये जो मतलब मौत हुई है, ये आपकी कौन है? बहन है। सगी बहन है? आप सगे भाई हैं? क्या नाम था इनका? कल्लो। है? कल्लो। कल्लो। और ब्याही किसको थी? मुजाहिद। आपके भानोई थे? तो इनकी मौत कैसे हुई, किस प्रकार से हुई, क्या सूचना पाए थे आप, कैसे आए? सूचना यह पाया रहा कि लड़ाई झगड़ा के इन्हें फांसी लगा ली। अच्छा, काहे से फांसी लगा ली? बगियाम लगाई नहीं रस्सी से। मौके पे आप देखा नहीं? नहीं। अच्छा, फिर आप आए तो यहाँ कैसी स्थिति में पाए इनको? इनके लेटी रहे, सब रो रहे हैं। तो कोई किसी के ऊपर आपका आरोप तो है नहीं? नहीं। पीएम तो कराएंगे नहीं? नहीं। अच्छा, मतलब पीएम नहीं कराएंगे? नहीं। मतलब कोई लिखा पढ़ी या सीतापुर आप नहीं भिजवाएंगे? नहीं। मतलब कोई किसी के ऊपर आरोप नहीं है आपका? कोई आरोप नहीं। आप सगे भाई है ना? हाँ, सगे। अच्छा, ये कौन सा गांव में ब्याही थी? भदेवा।